प्रकाश मय जीवन को विश्वास पूर्ण साधन सारे जहां सर को जमीन पर उतारे हम दरिद्र की साथ हो आपने छाई हो हमारी लगन जोर से उजाले को पाए सभी दीदी भैया को नमस्कार। मेरा नाम गीता देवी, दुर्गा संघ सहिता समूह के सचिव हूँ। कमला जीविका महिला ग्राम संगठन बीओडी का दीदी हूँ। सब दीदी का हमार प्रणाम। हमार नाम सविता दीदी छे, सविता देवी को दुर्गा संघ सहिता समूह के कोषा अध्यक्ष छे। कमला जीविका महिला ग्राम संगठन मीरपुर पंचायत के सदस्य छे। सबके हमर प्रणाम। हमर नाम रंजना देवी छिकै। कमला जीविका महिला ग्राम संगठनमे जीविका मित्र छिए आओर 9 समूहके देखरेख करै छी। अनिता दीदी 10 रुपया बचत। अनिता दीदी 10 टका बचत देलकै। सीएम दीदी 1 महीना से सब दीदी बचत करि रहल छै। सब दीदी ऋण माँगि रहल छै। सीएम दीदी इलाज के खातिर ऋण लेबै। सीएम दीदी हमू खेती करे के लिए ऋण लेबै। सीएम दीदी हमारा राशन के लिए ऋण लेबै। ऋण के लिए समूह माइक्रो प्लानिंग करी के ग्राम संगठन में दे देते। ग्राम संगठन से सीएलएफ में देते, तब सीएलएफ से ऋण आईसीएफ 60,000 रुपया अते और ब्याज 2 रुपया लगते। सब दीदी भाई के नमस्कार। हमर नाम छी मंजू देवी, गौरी संघ सहिता समूह के कोषाध्यक्ष छियै। कमला जीविका महिला मीरपुर ग्राम संगठन के अध्यक्ष के थाना धमधा जिला पूर्णिया के वासी छियै। सब दीदी भैया के प्रणाम। हमर नाम वंदना देवी, माँ सरस्वती स्वयं सहिता समूह के हम सचिव छियै। कमला जीविका महिला ग्राम संगठन मीरपुर के सचिव छियै। धमधा प्रखंड जिला पूर्णिया के हम निवासी छी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गीता कुमारी और मैं धमधा ब्लॉक में क्लस्टर 1 में सीसी के रूप में काम कर रही हूँ। सब दीदी के प्रणाम। हमर नाम संजय कुमार पासवान, हम कमला जीविका महिला ग्राम संगठन के हम लेखापाल। सीसी दीदी काल हमरा सबके समूह के मीटिंग रही है, से ओमे दीदी सब ऋण मांगे रहे, कोई बीमारी के लिए, कोई खेती के लिए, कोई राशन के लिए। ऋण केना मिलते से बता दी। सविता दीदी बोललकै कि ऋण के लिए कुछ मांग छै, तो जैसे कि माँ बोललकै खेती के लिए, ओकर बाद बीमारी के लिए और कि राशन के लिए कि ऋण मांगे छै। तो दीदी सब यहाँ सबके पता छै कि वीओ में ग्राम संगठन में की फंड आवै छै? अपने सबके बता रहल छियै। बीओ में बीमारी खातिर एक ऋण आवै छै, जकर नाम छै स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। इस समूह में 3 महीना तक हर महीना 10 रुपया बचत करे पड़े छै। एकर बाद
ग्राम संगठन के एक आवेदन लिखे पड़े छे और ग्राम संगठन आवेदन लिख के सेलर में जमा करे पड़े छे और बाद भीओ में एचआरए फंड आवे छे जिसका राशि 50,000 रुपया छे और एचआरए फिर समूह के सदस्य के एक रुपया ब्याज पर मिले छे। स्वास्थ्य सुरक्षा नीति के बारे में तो बता देलो, अब जे छे खाद्य सुरक्षा नीति के बारे में बतबै छिए। समूह में दीदी सबके खाए पिए में दिक्कत जे होए छे वो दिक्कत के दूर करे खातिर एक फंड आयल छे, ओकर नाम छे खाद्य सुरक्षा निधि। खाद्य सुरक्षा निधि के राशि 1,00,000 रुपया देल जाए छे। खाद्य सुरक्षा निधि के राशि के खातिर समूह में प्रत्येक दीदी के माइक्रो प्लानिंग करे पड़े छे और वो माइक्रो प्लानिंग करके ग्राम संगठन में जमा करे पड़े छे। ग्राम संगठन से माइक्रो प्लानिंग सेलर में जमा करे पड़े छे, तब जाके सेलर से ग्राम संगठन में FSF के फंड आवे छे। दीदी यहाँ सबके तो हम महाजन से छुटकारा और बीमारी से छुटकारा पावे खातिर और खाए के समस्या के दूर के खातिर फंड जे आवे छे, इस सब के बारे में तो बता दिलिए। अब जे छे समूह के सदस्य के कौशल विकास के खातिर, मुर्गी पालन के खातिर, बकरी पालन के खातिर और कृषि से संबंधित एक फंड आवे छे जेकर नाम छे लेवलीहुड फंड। दीदी यहाँ सब जे सदस्यता शुल्क, अंश, पूंजी और ब्याज जमा करे छे वो राशि कॉर्पस फंड के रूप में ग्राम संगठन में जमा होवे छे, जेकरा से ग्राम संगठन के विकास होवे छे और यह फंड ग्राम संगठन के आगू बढ़ावे में ई फंड अहम भूमिका निभावे छे। सीसी दीदी ई सब फंड जे आए छे ग्राम संगठन में एकर की उद्देश्य है? सब फंड के यही उद्देश्य है कि गरीबी से छुटकारा पाना और समूह के दीदी के आय में वृद्धि लाना। दीदी बीओ में फंड देला से की लाभ छे? ग्राम संगठन में ई फंड दे के यही लाभ छे कि दीदी के आय में वृद्धि लाना और खुद आत्मनिर्भर होना। ई सब फंड लेवे के खातिर कुछ सावधानी बरते पड़े छे, जेकरा में कि स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के खातिर कम से कम बीओ के 3 महीना पुराना होवे के चाहिए। खाद्य सुरक्षा निधि के फंड खातिर समूह के हरेक दीदी के माइक्रो प्लानिंग के करना जरूरी छे। सीसी दीदी इतना फंड जे बतेलो ग्राम संगठन में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जीविका के महिमा या करम पार चाहिए बानी ना सोना ये सनबा।